मेरा किचन में जाने का बिल्कुल मूड नहीं था, लेकिन मेरे छोटा बेटा ऋषभ वो बहुत परेशान कर रहा था, मम्मा प्लीज़ मेरे पसंद का डिश आज बनाओ और उसका वीडियो बनाओ। मैंने उसे मना नहीं किया क्योंकि उसका दिल रखना था मुझे। फिर मैंने सोचा इतनी छोटी सी चीज़ की मैं क्या वीडियो बनाऊँ, ये तो हर किसी को ही आता है। पर उसके जिद के कारण मैंने आज सेवैया की वीडियो बनाई है, तो चलिए देखिए इसकी वीडियो। इसके लिए हमें चाहिए 1 लीटर दूध, आधी कटोरी सेवैया, काजू, किशमिश, बादाम, केसर, चीनी। पहले हम कढ़ाई गरम कर लेंगे और उसमें 1 चम्मच घी डालेंगे। घी डालकर ड्राई फ्रूट्स को हम भुनेंगे। इसे भुनेंगे थोड़ी देर के लिए। बादाम भून चुका है, काजू भून चुका है, अब हम किशमिश डालेंगे। किशमिश लास्ट में भूनते हैं क्योंकि किशमिश बहुत सॉफ्ट होता है, जल्दी जल जाता है, इसलिए उसे लास्ट में डालना चाहिए। किशमिश भून चुका है, अब हम सारे ड्राई फ्रूट्स को एक अलग बर्तन में निकाल के इनके छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। उसी घी में हम सेवैया डाल देंगे। मैंने रोस्टेड सेवई ली है, फिर भी थोड़ा सा रोस्ट कर रही हूँ। अगर आप जो रोस्टेड सेवई नहीं होता है उसे अच्छे से रोस्ट करना होता है। इसे हम यूँ भून लेंगे थोड़ी देर के लिए। सेवैया भून चुकी है, अब हम इसमें दूध डाल देंगे। दूध को मैंने पहले ही बॉईल कर लिया था। अगर दूध को बॉईल नहीं किए हो तो पहले बॉईल कर लीजिए, उसके बाद फिर सेवैया में डालिए। इसे हम 7 से 8 मिनट तक पकाएंगे। सेवैया बॉईल हो रही है, इसी बीच में हम ड्राई फ्रूट्स को डाल देंगे और थोड़ी सी ड्राई फ्रूट्स बचा लेंगे गार्निश करने के लिए। और अभी हम चीनी भी डाल देंगे और इसे पकने देंगे 7 से 8 मिनट के लिए। अभी ये पतला है, थोड़ा गाढ़े होने तक पकने देंगे। सेवैया अब गाढ़ा हो गया है, अब हम उसमें 2 से 3 रेसे केसर के मिला देंगे और इसे बंद करके 2 से 3 मिनट के लिए ठंडा होने देंगे, उसके बाद फिर सर्व करेंगे। सेवैया तैयार है, आप इसे गर्म या ठंडा दोनों रूप में सर्व कर सकते हैं। सेवैया के मिठास बहुत मज़ा आता है इसे खाने में।